जब तीर्थंकर बने तो उनको सबसे ज़्यादा जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, लेकिन महावीर स्वामी का पूजनीय सबसे ज़्यादा होता है। और मैं वारी जाऊं बलिहारी के घरे आया ऐसा अवतारी। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रावला, आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पहली नज़र। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का आज जन्म कल्याणम है और हम लोग कोलकाता में श्वेतांबर जैन पंचायती मंदिर में हैं इस वक्त। और देखिए कि महिलाएं जो हैं सो जाप कर रही हैं, पूजा कर रही हैं। महावीर स्वामी की पूजा में ये महिलाएँ लीन हैं। मंदिर के ट्रस्टी भी हैं रंजन नाहर साहब, उनसे भी बातचीत हम लोग करेंगे। लेकिन देखिए हम लोग इस वक्त कोलकाता के महावीर स्वामी जन्म कल्याणम अवसर पर बड़ा बाजार के जैन श्वेतांबर पंचायती मंदिर में हैं। पूजा में लीन महिलाएं, आइए आपको भगवान का दर्शन कराते हैं। ये देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी। और देखिए ये मंदिर है और इसकी आज साज सज्जा आपके स्क्रीन पर है। देखिए महिलाएं जो हैं वो भगवान को क्रिया कर रही हैं, जप रही हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इनसे बात करेंगे, ट्रस्टी रंजन नाहर साहब से। रंजन जी, आज महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक है, थोड़ा बताइए। आज महावीर स्वामी जी का जन्म कल्याणक है जैन सीताभवन पंचायती मंदिर कोलकाता के। हम रंजन नाहर ट्रस्टी इस मंदिर को संभाल रहे हैं और यहाँ नियमित रूप से महावीर स्वामी जन्म कल्याणक मनाया जाता है। और ध्वजे का कार्यक्रम वगैरह जो होता है मंदिर का, प्रतिष्ठा दिवस में शांतिनाथ भगवान का भी ध्वजे का कार्यक्रम रहता है, वहाँ धूमधाम से पूजा होता है। और पूजा के पश्चात ध्वजारोहण होता है और ध्वजारोहण के पश्चात साधार्मिक वात्सल्य का आयोजन रखा जाता है। और ऊपर आदिनाथ भगवान है मूल नायक, उनका भी ध्वजे का कार्यक्रम रहता है। अभी 3 मई को उनका ध्वजे का कार्यक्रम है और उस दिन यहाँ धूमधाम से पूजा पढ़ाया जाएगा और ध्वजारोहण होगा और तत्पश्चात साधारणी वात्सल्य का आयोजन रखा जाता है। ये मंदिर हर प्रोग्राम में अपना अपना कार्यक्रम करता रहता है और पर्युषण के पर्व के उपरांत 8 दिन का यह प्रोग्राम रहता है और बहुत धूमधाम से ये प्रोग्राम चलता रहता है। महावीर स्वामी जी की महिमा का कुछ बखान जो है सो हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ बताइए, कुछ उनकी महिमा की, जो हमारे जो भक्त हैं जब कुछ मांगते हैं भगवान से तो वो कैसे पूरा होता है, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। सुनिए, महावीर स्वामी भगवान जो हैं इनके सामने मांगने का कोई ज़रूरत नहीं है, इनके सामने भक्ति बहुत बड़ा चीज़ है। आप अगर मन वचन काया से अपना भक्ति रखते हैं तो भगवान अपना उसका पुण्यात्मा के हिसाब से उनको सब कुछ देते हैं। तो उनके लिए मांगने का दरकार नहीं है। मांगता तो वो है जिसके पास कुछ नहीं होता है, इनके पास इतना कुछ है तो ये भक्तों को बहुत कुछ देते हैं। और उनका जो मन का जो भावना रहता है वो भावना को देखते हुए वो सब कुछ देते हैं। तो यहाँ मांगने का कोई ज़रूरत पड़ता नहीं है कभी भी हमारे कोई भगवान के सामने। और कोई भी भगवान में अपने जैनी भगवान जो भी है, महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, सब भगवान में अस्त्र शस्त्र रहता है लेकिन अपने जैन भगवान में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रहता है। ये एक बहुत बड़ा चीज़ है क्योंकि भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त कर गया, मोक्ष को प्राप्त कर गए हैं और एक तीर्थंकर बन गए हैं। और तीर्थंकर का जो पावर है उस पावर में वो कोई चीज़ रखते नहीं है। और अपने जैन धर्म में सबसे बड़ा जो चीज़ है आपका क्षमा बहुत बड़ा चीज़ है। तो भगवान को जब महावीर स्वामी को जो एक कान में किला ठोका गया तो वो उनको भी क्षमा किए और वो क्षमा किए और क्षमा करके वो 12 साल तक ये क्रियाक्रम करते करते वो मोक्ष को प्राप्त किए और तीर्थंकर बने। और 12 साल वो बहुत ही तकलीफ का, बहुत ही कष्ट का वो अपना जीवन यापन किए। और वो जब और इसके बाद उनका जब मोक्ष हुआ, वो जब तीर्थंकर बने तो उनको सबसे ज़्यादा जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, लेकिन महावीर स्वामी का पूजनीय सबसे ज़्यादा होता है। और पार्श्वनाथ भगवान का भी जो प्रतिष्ठा है या मूर्ति है वो भी सब मंदिर में मैक्सिमम रहता है। बहुत
बहुत धन्यवाद नाहर जी का कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी के बारे में उन्होंने इतने डिटेल से उनके जो उनका जो इतिहास है वो हमारे दर्शकों के साथ इन्होंने साझा किया है। और यहाँ पर देखिए महिलाएं जो हैं ये जो मंगल पाठ कर रही हैं, इसे जैन धर्म के भाषा में क्रिया कहा जाता है। और ये देखिए क्रिया हो रही है, हम लोग चलेंगे। और यहाँ पर देखिए ये मंदिर के सदस्यगण भी हैं, इनसे भी पूछ। मैं वारी जाऊं बलिहारी, जो पाया ऐसा अवतारी। मैं वारी जाऊं बलिहारी, जो पाया ऐसा अवतारी। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं मंगल पाठ, जिसे हम लोग पहले अभी कहा कि जैन धर्म में इसे क्रिया कहा जाता है और महिलाएं जो हैं वो क्रिया कर रही हैं। हम लोग यहीं पर हम लोग भी बैठेंगे और ये जो क्रिया कर रही हैं बस इनको सुनेंगे। सुख सागर उमड़ियो वीर प्रभु ने नवन करावण, मेरु शिखर वर गयो नाच रहा है सुर और किन्नर, मानव जग सारा बढ़िया हुई मन मोल जो इतनी, मिट गया दुखड़ा सारा। मैं बारी जावा बलियारी, जो हरे आया अवतारी। मैं वारी जाऊं बलिहारी, के घरे आया ऐसा अवतारी। मित्र मंडल ने मातृ सिलारो प्यारो घणो सुआवे, वीर प्रभु रा दर्शन कर के हिवड़ो खिल खिल जावे। मैं बारी जावा बलिहारी, जो पाया ऐसा अवतारी। तो दोस्तों किस प्रकार से देखिए कि ये मंगल पाठ चल रहा है। हम लोगों ने पहले बताया कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन कल्याणम के अवसर पर ये मंगल पाठ चल रहा है। और हम लोगों ने दिखाया कि किस प्रकार से जो महिलाएं हैं वो क्रिया कर रही हैं, और जैसा कि रंजन नाहर साहब ने भी इसकी जानकारी दी है। और पूरा जो कोलकाता है उसमें जितने भी जैन मंदिर हैं उसे आज पूरी तरह से सजा दिया गया है। और जो उत्साह है भक्तों का वो भी आज चरम पर है। बने रहिए युवा शक्ति के साथ, हर खबर पेन नज़र। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।